गर्मी का समय जा रहा है और बारिश का समय आ रहा है, आम भी कम मिलने चालू हो गए हैं। देखिए, आम मैंने कट कर लिए हैं छील कर। पहले आम को पानी में ज़रूर भिगो लें जिससे कि उसकी गर्माहट निकल जाए। आम का कोई भी कलर हो परवाह नहीं, खट्टा मीठा आम भी इसमें अच्छा लगेगा। हम लाए हैं 100-150 ग्राम बासुंदी। 3 आम मैंने कट किए हैं, उसमें इतनी बासुंदी फंस रहेगी। बासुंदी मतलब रबड़ी, यूपी में हमारे यहाँ रबड़ी कहते हैं और तमिलनाडु में इसको बासुंदी कहते हैं। और कलर चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा कलर, फूड कलर डाला होता है या केसर भी डाली होती है और इलायची डाली होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बासुंदी मिलती है। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर कवर में मिलती है तो कवर को भी दूध से धो लें और इसी में डाल दें, क्योंकि ज़्यादा दूध तो नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा पतला करने के लिए। अब अपनी आइस कूट कर इसमें डाल दीजिए। आइस के क्यूब्स हो तो भी डाल दीजिए। अगर आपको आइस खाने का मन नहीं है तो फ्रीजर में काफ़ी देर रखना पड़ेगा जिससे कि इसमें अच्छी ठंडक आ जाए। कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी चीज़ कटिंग करके डाल सकते हैं। मिंगी भी ऊपर से डाल सकते हैं, खरबूजे की, तरबूजे की। यदि आप आइस कूट कर डाल रहे हैं तो उससे पहले 1 चमचा भर के शुगर डाल दें, क्योंकि शुगर कम लगेगी उससे। और आइसक्रीम भी जमा रहे हैं उस समय भी आपको शुगर ज़रूर डालनी है। थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए। केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं आइसक्रीम के बनाने के टाइम में। वैसे तो आम का ही खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, सब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर आप शुगर ज़रूर डालें, नहीं तो आपको स्वाद नहीं आएगा आइसक्रीम में, क्योंकि थोड़ा मीठा ही होता है तभी आइसक्रीम अच्छी लगती है। आइसक्रीम बनाने के समय मिक्सी में पीस कर भी आप बना सकते हैं। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, चेरी डाल दीजिए, मैंगो के कटिंग पीस डाल दीजिए। बाजार से भी अच्छी बनेगी ये आइसक्रीम। जब मिठाई खाने की क्रेविंग हो तो ये आइटम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी है। आम से रबड़ी में 4 चांद लग जाते हैं, यमी बन जाती है और मज़े आते हैं। खट्टा मीठा खाने में आइस डाल दो तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा स्वाद देगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको फ्रीजर में जमा कर भी खा सकते हैं। 7-8 घंटे के लिए जमा दीजिए और आइसक्रीम की तरह से खाइए। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन दबाएंगे तभी तो मेरी नई नई वीडियो आपको मिलेंगी। नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल का बटन दबाकर और पर क्लिक कीजिए। उसका कोई पैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ये सोचें कि मेरे अकाउंट में से पैसा कट जाएगा, नहीं दोस्तों, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है और आप नई नई वीडियोस फ्री में देख सकते हैं मेरी। दोस्तों, ज़रूर इनको देखिए और अपने यहाँ अप्लाई कीजिए। इसी तरीके से आप बनाएंगे ना, इतना यमी और टेस्टी बनेगा ना, आपको बताने से सकती। दोस्तों, इसको आप मैरिज पार्टी में बनाएं या बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में, एनी टाइम आप इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी होती है ये। बाय बाय, टेक केयर।